मैं जगनमोहन रेड्डी जो मेरे दोस्त अभी भी हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि जगनमोहन रेड्डी साहब आप भी छोड़ दो साथ बीजेपी का, आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर करिए। आप, मैं जानता हूं आपको रियासत चलाना है, मगर जब भारत को बचाना है, जब भारत मजबूत होगा तो रियासत बचेगी ना। ये लड़ाई भारत की रूह के लिए है, ये लड़ाई आप जैसे नौजवानों के मुस्तकबिल को अच्छा रखने के लिए है। मैं गुजारिश करता हूं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से भी कि वो रिकंसिडर करें। कुछ रिक्वेस्ट चेशारु अन्ना, एनआरसी अन्नदी ఏం జరుగుతుందో మీ అందరికీ తెలిసిందే కదన్నా, ఎన్ఆర్సీ మీద మీ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఇస్తే బాగుంటుందన్నాను. ఇంతకుముందు ఎన్ఆర్సీ విషయంగా మన డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టరు, నా స్నేహితుడు, అన్ని రకాలుగా కడప జిల్లా నుంచి మీ అందరికీ తెలిసిన మన మైనారిటీ లీడరు, మన డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇదివరకే చెప్పాడు, ఎన్ఆర్సీకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సపోర్ట్ చేయదు అని చెప్పి చెప్పాడు. దానికి సంబంధించి ఆ రోజు తాను ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే ముందు నాతో మాట్లాడిన పిమ్మటే, డిస్కస్ చేసిన పిమ్మటే తను ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. తన నోట్లో నుంచి వచ్చిన స్టేట్మెంట్కు పూర్తిగా ప్రభుత్వం అంతా కూడా పూర్తిగా కట్టుబడి ఉంది. ఎన్ఆర్సీకి ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకంగానే ఉంటాను, ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేసే పరిస్థితి ఉండదు అని చెప్పి మరొకసారి కూడా ప్రతి ముస్లిం సోదరికి కూడా భరోసా ఇస్తున్నాను. ఇవాళ ఖచ్చితంగా హామీ ఇస్తూ చెప్తాను. सर आपके दोस्त हैं जगनमोहन रेड्डी साहब, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, आपने दो दिन पहले अपील की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रफ्तारी न करें इन सब चीज़ों में. पार्लियामेंट में भी उनकी पार्टी ने पार्टी गवर्नमेंट के साथ खड़ी नजर आई थी, लेकिन कल उनका बयान जो आया उसे सीधा यू टर्न नजर आया लोग. क्या कहना, क्या आपकी आपके दबाव में आ गए आपके अनुरोध? नहीं नहीं, देखिए मेरे दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे. वो एक स्टेट चला रहे हैं, उनकी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, आसान नहीं है. उस स्टेट में तेलुगु देशम की हुकूमत ने उसको कंगाल करके रख दिया, मगर मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उनकी पार्टी ने, उनकी हुकूमत ने इस तरह का फैसला लिया. बल्कि हम तो ये भी गुजारिश करेंगे कि एनआरसी से पहले एनपीआर है, एनपीआर एनआरसी है, उस पर भी गौर करें. और ये अच्छा फैसला उन्होंने लिया, ये खुद का उनका फैसला है. देखिए सियासत में, पॉलिटिक्स में दोस्ती अपनी जगह पर है, और जब एक शख्स स्टेट चला रहा है तो वो उनका एक पॉलिसी डिसीजन होता है, उसको समझना पड़ेगा. हैदराबाद में आपके ज़्यादातर सीखे हैं, हैदराबाद में जो जीएचएमसी एरिया है उसमें एनपीआर शुरू करने का प्रोसेस तकरीबन शुरू हो गया है, क्या इसको आप उठाएंगे? नहीं, हम तो गुजारिश करेंगे. मैंने तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा किया कि उनकी पार्टी ने भी बड़ा स्ट्रांग फैसला लिया, मुश्किल फैसला था लिया उन्होंने, और दोनों लोकसभा राज्यसभा में उसके खिलाफ वोट दिया. हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप भी इस पर गौर करिए, एनआरसी और एनपीआर के ऊपर.